नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कमर कस लो, अब आपको सफलता की 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन ला के आ रहा हूं मैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं नगर व क्षेत्रों के उपनाम। राजस्थान के प्रमुख नगर व क्षेत्रों के उपनाम है दोस्तों, तो अपने नोटबुक में इनको साथ साथ में नोट करते जाइए। कोटा को राजस्थान के आधा औद्योगिक नगरी व राजस्थान का कानपुर वर्तमान नालंदा राज्य की शैक्षणिक नगरी भी कहा जाता है दोस्तों कोटा को। अगला बांसवाड़ा दोस्तों, बांसवाड़ा को दोस्तों सोदीपुंगा शहर कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोदीपुंगा शहर किसे कहा जाता है, तो इस बांसवाड़ा को सोदीपुंगा शहर कहा जाता है दोस्तों। अगला अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय है दोस्तों। यह पूछा जा सकता है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। अगला दोस्तों, इनको दोस्तों साथ साथ में नोट करते जाइए ताकि किसी भी अन्य कंपटीशन में आपको हर में पूछा जाने वाले हैं तो दोबारा वीडियो या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। झालावाड़ दोस्तों, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। अगला दोस्तों, झालरापाटन सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है इसको, घाटियों का शहर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है, इसको रट लो दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। घाटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालरापाटन को घाटियों का शहर कहा जा सकता है, जाता है। चित्तौड़गढ़ दोस्तों, राजस्थान का गौरव है, तो ये क्वेश्चन यही से बन सकता है, राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है, तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला दोस्तों, जयपुर को दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से भी जाता है और इसको रतन नगरी भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जा सकता है, तो इसको यह क्वेश्चन बन सकता है गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, अलवर राज्य का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, पूर्व राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, राज्य का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो राज्य का यह अलवर को कहा जाता है दोस्तों। अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाइए ताकि दोबारा इन क्वेश्चनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगला विजय स्तंभ, भारतीय मूर्ति कलाकार विश्वकोश, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। अगला गंगानगर, राजस्थान का अनागार गंगानगर को कहा जाता है, यह क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान का अनागार किसे कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है दोस्तों। अगला पाली को दोस्तों खंबू का नगर कहा जाता है, खंबू का नगर किसे कहा जाता है, तो पाली को कहा जाता है खंबू का नगर दोस्तों। अगला किराडू, राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। अगला दोस्तों, भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो। अगला दोस्तों, सांचौर राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पुष्कर दोस्तों तीर्थ राजपंच तीर्थ का मामा भी कहा जाता है, पुष्कर को तीर्थ राजपंचम तीर्थ का मामा कहा जाता है।
अगला दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे उपनाम है दोस्तों, तो इनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी नोटबुक में इन सभी को नोट कर लीजिए। नागौर दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी को राजस्थान, ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की धातु नगरी नागौर शहर को कहते हैं। अगला दोस्तों, जोधपुर, जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार मरु प्रदेश मारवाड़ दोस्तों, भरतपुर, जल महलों की नगरी, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अगला दोस्तों, हल्दीघाटी, राजस्थान का थर्मोपोली हल्दीघाटी को कहा जाता है। अगला, डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी दोस्तों, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर को दोस्तों। साथ साथ में नोट कर लें ताकि आने वाली हर कंपटीशन में आपको माइंड में रहे, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। अगला, जैसलमेर, स्वर्ण नगरी को किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। म्यूजियम सिटी, हवेलियों और पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। बूंदी शहर का उपनाम बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहा जाता है। राउतबाटा, राजस्थान की अनु नगरी राउतबाटा को कहा जाता है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में दोस्तों, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। टोंक दोस्तों, टोंक का उपनाम हो जाएगा नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। अगला दोस्तों, बनेश्वर आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों, बनेश्वर में आदिवासी लोग रहते हैं। तो बनेश्वर आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बनेश्वर को दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।